कि जो हिंदुओं के तीज त्यौहार होते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये करवा चौथ हो गया, क्या ये बहुजन समाज के लोगों को बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, उसके ऊपर रोशनी डालें। विशेष रूप से मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, ये जो त्योहार हैं किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी धर्म की परिपाटी को बदस्तूर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजने के लिए ये अहम भूमिका निभाते हैं जो त्योहार हैं। हिंदुओं ने अपनी सहूलियत के लिए त्योहारों का इस्तेमाल किया है, त्योहारों को मनाया है और हिंदुवाद को आगे बढ़ाने के लिए इन त्योहारों का वो इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते रहे हैं, और क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो उन्हीं त्योहारों को उन्हीं त्योहारों को मनाते रहे हैं जो त्योहार हिंदुओं ने उन्हें दिए हैं। यहाँ पर अंधविश्वास एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, मतलब एक ऐसा मुद्दा है कि घरवाली अगर खाना नहीं खाएगी एक दिन तो पति की उम्र बड़ी हो जाएगी, पति की उम्र और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूँ मैं इसे, कि किसी महिला के भूखे रहने की वजह से। एक घटना मैं बताता हूँ, हमारे समाज के एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ रहा करते हैं, मेरठ के हैं। तो हुआ कुछ इस तरह है कि चूंकि हमारे साथ है तो हमने उन्हें समझाया कि भाई ये जो त्यौहार है ये त्यौहार एक्चुअली हमारे हैं ही नहीं, हमारे ऊपर तो थोपे गए हैं। तो वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि ये जो करवा चौथ है ये कुछ नहीं है और इनके करने से मेरी कोई उम्र बढ़ने वाली नहीं है, अगर वास्तव में तुम्हें मेरे बारे में सोचना है तो परिवार और बच्चे के बारे में सोचो, हमारे जन कल्याण के बारे में सोचो। लेकिन पत्नी क्योंकि हिंदूवादी विचारधारा की थी, उसने वो करवा लेकर के उस बंदे के सर पर ही फोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं, तो कुछ हाल ऐसा हुआ कि जो करवा चौथ का जो त्योहार बताते हैं वो त्योहार केवल और केवल इस बात से बनाया जा रहा है कि हम पति की उम्र बढ़ जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उम्र बढ़ाने के लिए तो आज तक वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तैयार नहीं किया, कोई दवा गोली तैयार नहीं की। वे वैज्ञानिक भी केवल इतना कहते अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ और व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। करवा चौथ की वजह से उम्र बढ़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दिवाली जैसा जो त्यौहार है वो कमर्शलाइज त्यौहार है, पूरी तरह से व्यापारिक त्यौहार है। इसमें तो जो है खरीदना और बेचना अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी तरह से वैश्य समाज को केंद्रित करते हुए दिवाली का उद्बोधन किया। लेकिन मैं जब इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है दिवाली तो बौद्धों का त्यौहार है ही नहीं। बौद्धों का त्यौहार क्यों नहीं है, क्योंकि जिस दिन दिवाली मनाई जाती है उसी दिन हुआ क्या था, हमारे बौद्धों के आखिरी सम्राट हुए थे बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है हमारे समाज के बौद्धों के आखिरी राजा हुए, तो उनकी सेना में एक सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। अब पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, उसने कहा कि साहब शिकार पे चलते हैं, लेकिन सेना जो थी वो किसके अंडर में थी, पुष्यमित्र सुंग के अंडर में थी, और वो बड़ा शातिर था क्योंकि ब्राह्मण था ना, तो शातिर था। अब वो जंगल चले गए, जब जंगल गए तो इत्तेफाक ये हुआ कि शेर भी सामने था और घोड़े पर बैठे हुए वृहद्रथ भी थे। तो वृहद्रथ ने अपना धनुष निकाला, उस पर तीर चढ़ाया और निशाना लगा दिया। बाजू में घोड़े पे खड़ा बैठा हुआ व्यक्ति पुष्यमित्र सुंग ये कहता है कि महाराज एक शेर का शिकार दूसरा शेर हथियार के साथ करेगा, आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है। बस क्या था, वृहद्रथ ने अपने हथियार छोड़ दिए और घोड़े से उतर आए और शेर के साथ सीधा हाथों से ही मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया। इतना ताकतवर व्यक्ति था कि शेर के पीछे के दो पैर पकड़कर एक पैर पे पैर रखकर दो दो हिस्से कर दिए, बीच से फाड़ दिया शेर को। अब जब देखा पुष्यमित्र सुंग ने, यार इसने तो शेर को भी मार दिया, ये तो मेरी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। तो जानते उसने क्या किया, पुष्यमित्र सुंग ऐसे खड़े हुए सामने, वृहद्रथ ऐसे सामने खड़े हुए, पीछे से पुष्यमित्र सुंग आया, उसने तलवार से अपने सैनिकों के साथ पीछे से वृहद्रथ के दोनों हाथ काट दिए और दोनों पैर काट दिए और यूं ही जंगल में हाथ पैर काट करके जिंदा छोड़ दिया। ना जाने जंगली जानवरों ने खाया, कीड़े मकोड़े ने खाया, वो मर गए।
और बाहर आकर के राज्य में आकर के ये उद्घोष कर दिया कि शिकार करते समय शेर के हमले की वजह से राजा मारे गए हैं, लिहाजा अब इस साम्राज्य का राजा मैं हूं। जिस दिन उसने अपना राज्य अभिषेक करवाया वो दिन था दिवाली का दिन। तो बौद्धों के लिए ये दिवाली उजाले का नहीं अंधेरे का त्यौहार है। और इसके अलावा बात आ रही है होली की, होली की बात करें तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि एक महिला के जिंदा जलाने पर लोग खुश होते हैं। मान लिया वो महिला क्रूर थी, थप्पड़ मार दो, चांटा मार दो, घूंसे मार दो, बाल उखाड़ दो, जेल में डाल दो, लट्ठे बजा दो, जिंदा जला दिया, मतलब इससे ज्यादा निर्दयता, इससे ज्यादा क्रूरता क्या हो सकती है कि एक नारी के ऊपर इतना अत्याचार। पैथेटिक, इट इज पैथेटिक। तो होली जैसे त्योहार, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति तो ये सोचता है कि किसी महिला की हत्या होने पर मैं खुश होकर के रंग उड़ाऊं, सॉरी मैं नहीं कर सकता। ये बौद्ध रीति रिवाज में ऐसा नहीं होता। बौद्ध तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान बड़ा ही ऊंचा सम्मान होता है। हमारे यहाँ भिक्षुणी के तो चरणों में हम पंचांग नमस्कार करते हैं, भिक्षुणी के चरणों में गिर करके हम पंचांग नमस्कार करते हैं। तो ये परंपरा बौद्धों की नहीं है, ये मूर्खों की परंपरा।